हेलो गाइज, पहला एक जयदेव नमस्कार का साथ सब लोग सब ठीक मिला। और आज जो मीच हुई कठपुड़िया जा रही हूँ अलमड़ पे हैगिल, और ये जो हमारा भरजी छिन उना घर छू। भरजी जो छिन एक गायकार छिन और उना बहुत सारे गीत जो छिन पहाड़ी में आ रही, तो आ इना घर जा रही है हम और रिकॉर्डिंग करना लीजिए। एक झोड़ा चार्जिंग निकलनी हम, तो इना घर दिखूँगी और यहाँ सुंदर सुंदर व्यू छू भरजी ना। और एक वर्मा जी आ रही है हमारे दिल्ली बेटी, यूनर दुनिया का चैनल छो काफल डिजिटल प्रोडक्शन करके, तो मैं इना घर व्यू देखूँ। और इन्हें माँ साँच पा रखी बहुत सुंदर माँ छिन, और यहाँ जो छिन मुर्गी उर्गी पा रखी और बहुत फर्स्ट क्लास बना रखो। इन्हें जो छू एक टूरिस्ट प्लेस जो बना रखो अब घर आस पास बहुत बड़ी बना रखो इन्हें, तो मैं ब्यूटी में अंत तक बनी रहा माँ। दोस्तों ये सामने जो है भटजी का घर है, गिरिचंद भटजी हैं, कठपुड़िया से नीचे है इनका घर। और ये इनका पूरा देख लीजिए, पूरा घर बहुत ही सुंदर बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पर मछली पालन भी कर रहे हैं लोग, अकेले हैं भटजी, आर्मी मैन हैं, रिटायर एक्स मैन हैं आर्मी के, और इन्होंने इसमें मछली असली भी पालन कर रखा है, जाली लगा रखी है और इसमें मछली हो रही अभी, और ये छोटी छोटी मछलियाँ हो रही हैं। अभी तो ठंडा है, नीचे चली गई लग रहा है मछलियाँ ना, जाली लगा रखी है। और ये सारे सुंदर सुंदर फूल, और ये देखिए लहसुन लगा रखा है बच्चे ने, और फूल भी लगा रखे हैं अच्छे खासे, और बहुत सुंदर घर बना रखा है। अकेले ही रहते हैं यहाँ पर, गांव थोड़ा आगे है, तो हम लोग यहाँ पर कल पहुँच गए थे एक झोड़े की रिकॉर्डिंग के लिए। और सामने हैं ये लोग भरजी और वर्मा जी बैठे हुए हैं सामने, अभी मैं इनके नज़दीक जाऊँगा, उससे पहले इनका घर है ये देखिए आप लोग। और यहाँ पे इन्होंने एक टेंट भी लगा रखा है, टेंट का भी काम करते हैं ये, इनका एक कैंप पर्टिकल एडवेंचर भी है ये देखिए। और सामने देखिए आप कैंप पर्टिकल एडवेंचर करके है, और इनके पापा जी हैं एक्स मैन आर्मी, पूर्व सैनिक है स्वर्गीय पुरुषोत्तम भट्ट जी। ये देखिए इनका घर है, और इनकी राइफल्स दोनों आर्मी मैन हैं। तो हम लोग कल यहाँ पहुँच गए थे और यहीं चल रहा है हमारा, और ये हमारी छोटी को भी लाए हैं, ये अंदर है, इसके अंदर ही सोई है, खेल ली यहाँ, ये बहुत ही इंजॉय करी। हेलो हेलो गाइज, इधर देखो, हेलो बोलो, अंदर खेल करने में लगी है बच्ची हमारी। तो दोस्तों मैं भटजी के घर पर हूँ अभी, देखिए इन्होंने जानवर पाल रखे हैं, अकेले हैं यहाँ पर, बहुत हिम्मत की दाद देता हूँ मैं इनकी, एक्स आर्मी मैन है, बहुत ही मेहनती हैं, अकेले यहाँ पर कितना काम करते हैं बहुत ही, और जानवर भी पाल रखे इन्होंने। ये देखिए आप, इन्होंने बकरियाँ पाल रखी, दो बकरियाँ हैं इनकी और एक गाय है, और यहाँ देखिए मुर्गियाँ, मुर्गियाँ देखिए, मुर्गियाँ पाल रखी इन्होंने। मुर्गियाँ हैं छोटी छोटी, बड़ी बड़ी मुर्गियाँ भी हैं यहाँ पर, और ये देखिए, और दो खरगोश भी पाल रखे हैं लेकिन अंदर हैं वो। अरे मेरा हाथ काट दिया इसने, बाय गॉड। और आसपास देखिए, और आज तो काफी मौसम खराब हो गया यहाँ पर, पहाड़ी दिख रही है, ये मुर्गियाँ हैं, शाम को हम जहाँ भी देखेंगे आप भटजी ने एक डॉगी भी पाल रखा है, ले आजा, आ आ आ आजा। ये देखिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही वफादार है, थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो भौंकने लग जाता है,
ये हमारा यहाँ का भटजी का किचन है, लगने रख रखी भटजी ने। और ये देखिए हमने इसी में खाना बनाया, और यहाँ पर सूत के छोटे भी हमने इकट्ठे करवा रखे हैं, तो इसी में हम लोग खाना बनाते हैं। यहाँ का किचन है, ये अकेले हैं, तो नहीं सामान सारा हर चीज़ है, यहाँ छोटा सा है, गाँव से है, फिर भी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, सब घर का ही है ज़्यादातर, जैसे लहसुन है ये सब चीज़ें घर का ही यूज करते हैं उन्होंने बताया, और खुद ही लहसुन प्याज टमाटर सब लगा रखे हैं। और ये है हमारी सिंगर, हेलो मैडम, यहाँ पहुँच चुकी है, और एक झोड़ा जो है नया निकालने वाली है, और उसके बाद जो है अभी न्योली में जो है टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी न्योली में, देखते हैं अगर न्योली गा पाएगी तो फिर न्योली भी आज रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग, और नहीं तो बाद में, और झोड़ा तो हो ही जाएगा। अभी हमारा नया सॉन्ग आया था भगवती माता का, आपने सुना होगा, ये सारे एरिया देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आते हैं तो ये लोग जो है यहाँ पर टेंट लगाते हैं, इन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ पर टेंट लगाते हैं, सब जगह देखिए आप यहाँ पर लगते हैं टेंट, ये बाहर भी टेंट लगाते हैं लोग गर्मी के मौसम में, नीचे भी देखिए सारे एरिया है तो यहाँ टेंट लगाते हैं, अच्छा व्यू है और पूरा एकांत है, बहुत ही शांति है, बहुत ही शांति, अगर आपको शांति और रेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, किसी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, हम ही हम थे, सुंदर जगह का नजारा देखिए, और खूबसूरत वादी और काफी का पेड़ भी है, और सामने घर और पानी हमारी कृषि, मैंने आपको बताया ये भी सुंदर रह चुके हैं, हम गाते हैं 20 साल से गा रहे हैं, उससे पहले ही आर्मी में थे, 2001 में जब आर्मी से रिटायर होकर आए उसके बाद कापल करके इनका चैनल है, उसी से ये लोग गाने निकालते हैं अपना, और हम लोग भी इन्हीं के घर पर आए हुए हैं एक छोटा रिकॉर्डिंग करने के लिए, सामने ये नज़ारा है घर का, सुंदर व्यू है, एकांत में है, ये देखिए ये नज़ारा है इनके घर का, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पिकनिक टाइप की मना लिए, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटू का छोटू को प्यार, बड़ों से आशीर्वाद लूँगी, आप लोग सब ठीक होंगे, मैं गाना रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ इधर, तो बहुत अच्छा व्यू है, जल्द से जल्द मेरा एक हरीश वर्मा जी के चैनल से आएगा झोड़ा, तो बहुत अच्छा है, आप लोग इंतज़ार करना सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट कर, उसके बाद हम सीधे चले गए हैं नए गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, ये हरीश वर्मा जी के साथ हैं, और इनका जो है कापल डिजिटल करके इनका चैनल, और हम लोग आज 2 दिन से यहीं पर हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर है, इन्होंने मछलियाँ भी बहुत पाल रखी हैं, हरीश वर्मा जी एक्स आर्मी मैन है और बहुत ही मेहनती हैं, पूरा बहुत ही सुंदर बना रखा उन्होंने यहाँ, मेरी बेटी हट हट सब कुछ बहुत बना रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बना रखा है, गार्डन है और फिश मछली पालन है और मुर्गियाँ हैं, बकरी वकरी सारा काम इन्हें अकेले करते हैं यहाँ पर, देखिए इसका व्यू मेरी वीडियो में आप अंत तक बने रहें।